कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान, मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण पढ़ाने जा रहा हूं। चलते हैं इसमें परिभाषाएं और क्या है व्यंजक। तो सबसे पहले गुरुत्व की परिभाषा, क्या है गुरुत्व? तो जैसा कि न्यूटन के अनुसार, न्यूटन का जो नियम है उसमें अधिकतर आकर्षण बल को बताया गया है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। दोनों पिंडों में यदि एक पिंड पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं, अर्थात तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं, यानी गुरुत्व कहते हैं। तो ये गुरुत्व आप लोगों को याद है, ग्रेविटी इसी को बोला जाता है। ग्रेविटी ध्यान रखना बच्चों, ग्रेविटी है इसी का नाम। ग्रेविटी इसी को बोलते हैं। अब इसके बाद थोड़े से और परिभाषा देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, गुरुत्व के कारण यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपने और किसी बल से खींचती है तो उसके कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, अर्थात गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखना ये, और इसकी दिशा जो है ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, हमेशा ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा में रहता है और नीचे की ओर पृथ्वी के केंद्र की ओर ही रहता है। तो अर्थात ये क्या हुई, ये एक सदिश राशि हो गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इसके नियम पर ही चलते हैं, जो न्यूटन ने बहुत सारा नियम दिया हुआ है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसे सार्वत्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक जगह ही लगता है, हर एक जगह यूनिवर्सल रहता है। तो इन्होंने क्या कहा था, ब्रह्मांड में रखी सभी वस्तुएं, जैसे ये वस्तु दिखाई दे रही है ए और बी, ब्रह्मांड में रखी सभी वस्तुएं एक दूसरे को एक बल द्वारा आकर्षित करती हैं, और ये जो बल है ये इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के, मान लिया बीच की दूरी डी है, ये जो दूरी है यहां से, ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है हमने डी मान ली, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ये नियम यहां लिखा हुआ है, इसी नियम को आप लोगों को लिखना है। अब यहां देखो मैं दिखा रहा, मान लिया अगर बल F है तो F समानुपाती किस किस के हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 और इंटू M2, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात 1/d². ये समीकरण नंबर 2 हो गई, समीकरण 1 व 2 को संतुलित करने पर, 1 व 2 को सम्मिलित करने पर, कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये F समानुपाती हो जाएगा M1 इंटू M2 बटे d². डी की जगह R भी आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो ये कैपिटल G एक नियतांक आता है, ये कैपिटल G है, और ये M1 इंटू M2 बटे में R बटे में d² लीजिए, अभी r² नहीं लेना है, इसकी जगह हमें d² लीजिए, R भी आप लोग लिख सकते हो, तो बटे में ये d² हो गया। तो ये एक सूत्र आ गया, ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है, इसको नियम भी कहते हैं। जी जो है क्या चीज है, नियतांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मतलब हुआ, अब G का जो मान होता है 6.67 इंटू 10^-11। ध्यान रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर kg², ये इसका मात्रक है, तो मात्रक भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये एक नियतांक है, हर एक जगह नियत रहता है, कैपिटल G का मान हर एक जगह नियत रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। अब इसी नियम को थोड़ा आप लोग लिखेंगे कैसे, जरा लिखने के तरीके को भी अपने देख लेंगे, ये लिखने का तरीका इसमें दिया हुआ है, जो का तुम ऐसे ही लिखना है आपको, नियम पहले लिखने के बाद फिर ये चालू करो, जैसे मैंने पीछे लिख करके दिखाया वही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। यदि M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तथा उनके बीच लगने वाला बल F हो तो इस नियम के अनुसार F समानुपाती M1 और M2 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगी। ऐसे दूसरे में F समानुपाती 1/d² हो जाएगा, दोनों को मिला के लिखना है,
एफ समानुपाती एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। जी एक नियतांक है जिसे सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहते हैं, और इसका मान मैंने बताया है कितना होता है कैपिटल जी का मान, ये हमेशा याद रखना 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये मात्रक भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि मात्रक भी बहुत पूछा जाता है आप लोगों से। अब क्या करते हैं, सूत्र तो वही है कैपिटल एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, लेकिन इसमें एम वन और एम टू जो है ये एक कर लेते हैं, मतलब इन दोनों के मान बराबर कर दीजिए आप, एम वन बराबर एम टू बराबर एक ले लीजिए और डी का मान भी एक रख दीजिए, तो इन दोनों में रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ का जो मान आएगा वास्तव में जी हो जाएगा, वन इंटू वन आ जाएगा और वन का स्क्वायर आएगा यहां पे, जो कि ये कैपिटल जी के ही बराबर, यानी एफ बराबर कैपिटल जी हो जाएगा। तो यहां पर परिभाषा निकल के आती है कैपिटल जी की, ये परिभाषा आपको जो कि तू याद करनी पड़ेगी। अतः सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर है जिससे इकाई द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर आरोपित होते हैं। तो ये इस बल के मान के बराबर होता है, यानी दोनों का द्रव्यमान अगर एक एक किलोग्राम ले लिया जाए और इनके बीच की दूरी एक मीटर रख दी जाए तो उनके बीच में जो बल लगता है उस बल को कहते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। थोड़ा सा बढ़ना चालू करते हैं, इसमें एफ कैपिटल जी है, आप देखते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या है। पीछे मैंने स्मॉल जी बताया था आप लोगों को, अब जो है यहां दोनों में अंतर की बात आती है, तो ये अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए इसको ढंग से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है कैपिटल जी लिखा हुआ और फिर ये स्मॉल जी, एक तो पहली बात आती है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, ध्यान रखना है दोनों में। तो पहला नंबर मैं ले रहा हूं, इकाई द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर जितना बल आकर्षित करते हैं यानी जितना बल लगाते हैं उसके संख्यात्मक मान को हम कैपिटल जी कहते हैं, और कैपिटल जी का मैंने मान बताया हुआ है, कितना बताया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 होता है, कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये मान होता है। और यहां स्मॉल जी का जबकि मान कितना होता है, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या है, इसमें गुरुत्व के कारण क्या हुआ हमारे पास, गुरुत्व के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, पहला नंबर तो आपने पढ़ लिया, अब इसका मान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है, यानी कहीं पर भी चले जाएं स्पेस वगैरह में भी चले जाएंगे तो भी इसका मान एक समान होता है, और इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी पर ही चले जाओ भूमध्य रेखा पर अलग होगा और ध्रुवों पर अलग होगा, जमीन के अंदर जाएंगे तो कुछ और होगा, जमीन के ऊपर जाएंगे तो कुछ और होगा। चलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें, महत्वपूर्ण में क्या चीज है, ये थर्ड नंबर, यह एक अदिश राशि है, ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसमें कोई दिशा नहीं होती, लेकिन ये तो एक सदिश राशि है, गुरुत्वीय त्वरण में दिशा होती है, केंद्र की ओर होती है हमेशा पृथ्वी के, और इसका विमीय सूत्र आप लोगों ने पहले निकाला होगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू है, जबकि इसका विमीय सूत्र एल टी माइनस टू है, तो दोनों में अलग अलग संस्था अंतर है, इन दोनों का अंतर आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रखेंगे। वैसे भी एक को कैपिटल जी से दिखाया जा रहा है, एक को स्मॉल जी से दिखाया जाता है। अब चलते हैं जरा स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, मान लिया ये पृथ्वी है, इसका केंद्र ओ है ये, और इसका जो द्रव्यमान है वो एम है और त्रिज्या इसकी आर है, और ये एक और द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है मान लो ये, और इसकी जो त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या ना के बराबर है, लेकिन ये जो दूरी है आपकी ये लगभग लगभग इसके त्रिज्या के बराबर भी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एम वन का मान यदि हम स्मॉल एम ले लें और एम टू का मान जो है कैपिटल एम ले लें, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, और इसका मतलब यह है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से ले लेते हैं और कैपिटल जी इसका सार्थक गुरुत्वाकर्षण, तो स्मॉल आर का मान जो है वो कैपिटल आर के बराबर जाएगा, या डी का मान हम बोलते हैं इसको, डी भी बोलते हैं, तो सूत्र लगा लेते हैं कैपिटल एफ बराबर होता है कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर लिख लीजिए, एक ही मतलब है,
अब इसमें एफ में मान धर दीजिए, ये तो हो गया जी स्मॉल एम, एम वन का मान स्मॉल एम एम, और एम टू का मान है कैपिटल एम, जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और बटे स्मॉल आर या डी जो भी कह लो कैपिटल आर यानी पृथ्वी की त्रिज्या है। इसमें आर क्या चीज है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। देखते हैं इसमें मान रख दीजिए, तो ये तो आर स्क्वायर हो गया, ये समीकरण नंबर एक हो गया। यदि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है तो क्या हाल होगा, एफ बराबर एम जी हो जाएगा, यानी पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जा रहा है इस पे एम जी के बराबर। यह समीकरण नंबर दो हो गई। समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, दोनों बल बराबर हो जाएगा, तो एम जी बराबर हो जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा और क्या निकल के आएगा, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारे पास संबंध है इसमें, गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल जी यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, सार्थक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध है। इसी को थोड़ा सा यहां समझा करके लिखा गया है, यह सब लैंग्वेज लिखनी पड़ती है आप लोगों को। मान लो पृथ्वी गोल है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम त्रिज्या आर, ये मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था, ये इसका द्रव्यमान जो है ये कैपिटल एम ले लिया गया और त्रिज्या इसकी कैपिटल आर ले ली गई, तो ये त्रिज्या यहां से दिखाई जा रही है आपको, ये केंद्र हो गया इसका, और ये जो द्रव्यमान है इसका पिंड का ये स्मॉल एम है इसका। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी जाती है, माना जा सकता है कि पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान के केंद्र पर केंद्रित है, अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार एफ बराबर क्या होता है कैपिटल जी एम और स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर एक हो जाएगी, जहां जी सार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, परंतु न्यूटन ये गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या था, बल एफ बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो एफ बराबर एम जी हो जाएगा। समीकरण दो हो गए, समीकरण एक हो गए, दोनों से एफ के मान बराबर कर दिए, एम जी बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर कैपिटल एम और स्मॉल एम, इसमें स्मॉल एम कट जाएंगे, यानी ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम कट जाएगा, तो ये जी का सूत्र आ जाएगा स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल जी सार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान और आर पृथ्वी की त्रिज्या है। अब आता है गुरुत्व क्षेत्र क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर एकांक द्रव्यमान रखने पर उस पर बल का अनुभव होता है, एकांक द्रव्यमान पर जितना बल का अनुभव होगा उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र तो वो होता है कि जिस पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी वस्तु किसी बल का अनुभव करती है उसको कहते हैं हम गुरुत्वीय क्षेत्र। लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस पर जो एकांक द्रव्यमान पर बल लगने वाला वो है, तो गुरुत्वीय बल की क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र जो है एफ बटे स्मॉल एम होता है, और मात्रक क्या है इसका, न्यूटन प्रति किलोग्राम, ये इसका मात्रक है, तो मात्रक भी आप लोगों को याद रखना है। तो यही है, यह एक सदिश राशि होती है, ध्यान रखना इसमें। तो किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, ध्यान रखना है गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा है। तथा गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है, तथा विमीय सूत्र इसका एल टी माइनस टू होता है। तो ये वास्तव में त्वरण के बराबर ही होता है, लेकिन आपको याद जो रखना है वो यही याद रखना है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, एफ बटे एम के बराबर होती है, यानी एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल। गुरुत्वीय विभव क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद ही करके रखेंगे आप लोग किसी भी तरीके से। वो होता क्या है, एकांक द्रव्यमान को यानी एकांक द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो उसको हम अनंत से लेकर के आते हैं, अनंत से ला करके पृथ्वी तल पे किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है या प्राप्त होता है, तो उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, हम गुरुत्वीय यानी उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इसे कैपिटल वी से दर्शाते हैं, कैपिटल वी डब्ल्यू तो कार्य किया गया है और स्मॉल एम जो है उसका द्रव्यमान है, तो वी बराबर जाएगा डब्ल्यू बटे एम। गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा, ये अदिश राशि है, इसका एस आई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, क्योंकि डब्ल्यू जूल में नापा जाएगा और ये
द्रव्यमान किलोग्राम है, तो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तथा विमीय सूत्र क्या होता है इसका, ये होता है एल टू टी माइनस टू, एम तो है ही नहीं इसमें, एम जीरो हो गया, तो एल टू टी माइनस टू होता है। तो सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी हम इसको याद करेंगे। अब चलते हैं गुणतीय विभव का व्यंजक हम निकालते कैसे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है कैसे निकाला जाता है। मान लिया ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम हो गया, इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर ले लिया हमने। अब इसके केंद्र से कुछ दूरी पर ये बिंदु पी है, जहां पर ये आर ले रहे हैं। अब अनंत से कोई चीज लेकर के आ रहे हैं, यहां से अनंत से इस पिंड को लेकर के आ रहे हैं, तो किसी क्षण यहां पर आकर के ले आते हैं, ये छोटी सी दूरी जो है ये dx बता रहे हैं, चल रहा है जो इस बल के विरुद्ध। तो ये जो सूत्र है हमने जो बताया था, v की परिभाषा बताई थी, वो w बटे m थी, लेकिन w निकालना था, w के लिए बल गुणा विस्थापन, यानी कार्य जो होता है वास्तव में कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो w जो है बल गुणा विस्थापन f इंटू स्मॉल dx हो जाएगा। तो स्मॉल dx में f का मान धर दीजिए अब, और dx का मान भी। तो ये जो पिंड है इसमें स्मॉल द्रव्यमान हमने लिया है इसका, तो यहां पर दिया हुआ है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पहले लेके चल रहे हैं, e से दिखा रहे हैं, तो e बराबर हो जाएगा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x दूरी पर स्थित है, तो जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें x का मान धर रहे हैं, तो dw यानी किया गया कार्य कितना हो जाएगा, e इंटू dx हो जाएगा, वही f इंटू dx वाली ही बात है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जब मान रखेंगे तो जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी एक्स आ जाएगा, ये डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें कार्य निकालना है अनंत से लेकर के इस बिंदु तक, तो यहां समाकलन का चिन्ह है, ये अनंत से लेकर के आर तक की लिमिट लगाई गई, यानी ये जो कार्य है ये अनंत से लेकर के आर तक ले जाया जा रहा है। और एफ का मान तो सूत्र होता है हमारे पास पता ही है, ये होता है जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर है, और साथ में क्या है, डी एक्स है। यहां पर ध्यान रखना बच्चों, चूंकि एकांक द्रव्यमान लिया गया तो उसका स्मॉल एम का मान एक रख दिया गया है, ये ध्यान रखना यहां पर बहुत जरूरी है, एकांक द्रव्यमान लेना। चलिए ये जो को द्रव्यमान एक एकांक कर दिया जाएगा, तो इसलिए इसकी वजह से इसमें केवल एक ही एम दिखाई दे रहा है आपको। एफ का जो वास्तव में सूत्र होता है वो होता है जी होता है एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब इसमें मान रख देंगे जी हो जाएगा, और इस एम का मान एक तो एक ही रख दिया गया, और एक का मान जो है वो एम रख दिया गया कैपिटल, और बटे में आर स्क्वायर है या एक्स का स्क्वायर रख दिया गया, ये ले लिया गया। अब इसको क्या करते हैं, कैपिटल जी तो बाहर हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, एम भी बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस दो हो जाएगी, और समाकलन का ये चिन्ह लग जाएगा आपका, और यहां पे डी एक्स है। अब क्या करते हैं, इसको कैपिटल जी है ये एम है, इसकी पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं और इसी से भाग कर देते हैं, और ये लिमिट अब यहां आ जाती है, इन्फिनिटी टू आर हो जाता है। अब ये माइनस का वन बचेगा, ये माइनस चिन्ह जो है बाहर आ जाएगा, माइनस का जी एम हो जाएगा, और ये बटे में एक्स हो जाएगा, यानी वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और इन्फिनिटी टू यहां आर हो जाएगा। यही मान यहां पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यही जो मैंने बताया अभी वही लिखा हुआ है। तो ये मान रख दिया गया, मान रखने के बाद एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये मान कुछ ऐसा आ जाता है, देखो माइनस का जी है एम है, और ये वन अपॉन आर माइनस वन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी का मान जो है वो जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये यही मान आ जाएगा वन अपॉन एक्स, यानी वन अपॉन आर आ जाएगा। तो W का मान जो है माइनस का जी एम अपॉन आर आ जाएगा, और V का जो सूत्र है वो यही होता है, चूंकि परिभाषा हमारी यही है, V बराबर कितना होता है W बटे एम होता है, तो ये M का मान एक हो गया, तो V बराबर कितना हो जाएगा W बटे एक, तो W आ गया, W का मान हमने रख दिया, तो V बराबर माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया आपका, इसको आप लोग कर लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं इसको, हम ये एक बार हम पुनः देख लेते हैं फिर से, क्या है ये आपका पृथ्वी हो गई जिसका द्रव्यमान m हो गया, और इसकी त्रिज्या स्मॉल कैपिटल r हो गई, इससे कुछ दूरी पर ये बिंदु p है जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब यहां पर एकांक द्रव्यमान को हम लेकर के आ रहे हैं इधर की तरफ, अनंत से लेकर के आ रहे हैं और बिंदु p तक लेके आ रहे हैं, ये दूरी हमारी स्मॉल r है, तो इसे छोटी छोटी दूरियों में मान लेते हैं। मान लिया किसी क्षण ये जब x दूरी पे था कण, ये जब x दूरी पे था तो यहां पर जो है बहुत अल्प दूरी चलना चालू किया था dx। चलिए तो कार्य के लिए परिभाषा लेते हैं, कार्य जो होता है w बराबर होता है f इंटू डी एक्स, ये जो कार्य ले रहे हैं समाकलन में जोड़ देंगे, इसमें जुड़ता है ये समाकलन, और ये कैपिटल r हो जाए, स्मॉल r हो जाएगा।
तो एफ इंटू डीएक्स हो गया, एफ का मान हम लोग सूत्र से निकाल लेते हैं, इसका द्रव्यमान तो एम हो गया, लेकिन ये जो द्रव्यमान है ये दिखाई दे रहा है यहां पर, ये ला रहे हैं हम एक किलोग्राम का, इसका मान 1 kg है, ध्यान रखना है आपको। तो एम वन का मान तो कैपिटल एम ले लीजिए और एम टू का मान 1 ले लीजिए, तो कैपिटल एफ का पहले सूत्र लगा लेते हैं, कैपिटल जी हो जाएगा, एम वन हो जाएगा, एम टू हो जाएगा, बटे में आर स्क्वायर है, कैपिटल जी इसका मान एम हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और बटे में आर की जगह पर ध्यान रखना बच्चों ये एक्स रखा हुआ है, ये जो है वो आर की वैल्यू यहां होगी, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मान यहां रखना है, रख दीजिए, ये हो जाएगा समाकलन अनंत से लेकर के आर तक, एफ का मान कितना गया, कैपिटल जी है, कैपिटल एम है, और बटे में एक्स स्क्वायर है, और साथ में डी एक्स है। चलिए ये कैपिटल जी तो बाहर हो जाएगा, एम भी बाहर हो जाएगा, लेकिन ये जो पावर ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी, तो ये कैपिटल जी हो गया, एम हो गया, और एक्स की पावर -2, समाकलन करना बहुत आसान होता है, इसमें पावर में एक जोड़ते हैं और इसी से भाग कर देते हैं, अब लिमिट यहां पर आ जाएगी लिख करके इन्फिनिटी से लेकर के स्मॉल आर तक, तो ये हो गया कैपिटल जी कैपिटल एम, और यहां से माइनस का बच जाएगा एक, तो माइनस यहां आ जाएगा, और ये 1/x बच जाएगा, और लिमिट इन्फिनिटी टू आर यहां हो जाएगी, तो माइनस का जी हो गया, एम हो गया, और ये एक बार अपर लिमिट रखते हैं एक्स के स्थान पे, तो यार आ जाएगा, तो माइनस का 1/∞ आ जाएगा, देखते हैं अब क्या मान निकल करके आता है, तो ये अभी हम W का ही मान निकाल रहे हैं, W बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का G हो गया और कैपिटल M हो गया, 1/r बचा रह जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा, तो V जो है यहां पर क्या हो जाएगा, W बटे M होता है, M का मान यहां 1 kg दे रखा हमने, पहले ही का रखा है, तो ये V का मान कितना हो जाएगा, W बटे 1 यानी W ही आ जाएगा, तो W का सूत्र रख देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का जी एम अपॉन आर, स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, केवल भर r ही होगा, माइनस का जी एम अपॉन आर, यही सूत्र हमने करके अभी दिखाया था आपको, ये वही सूत्र है, अब इस सूत्र की सहायता से आप लोग इसका गुणितीय विभव निकाल सकते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, गुणितीय स्थितिज ऊर्जा। अब ये गुणितीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये पिछला विभव जो था, विभव में तो हमने एकांक द्रव्यमान कह दिया था, इसमें कोई सा भी द्रव्यमान हो सकता है, यानी दोनों एम वन और एम टू दोनों रहेंगे इसमें, तो यही हम बता रहे हैं इसके अंदर, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा क्या होती है, किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य बिंदु के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा ऋणात्मक होती है क्योंकि कार्य हमें प्राप्त होता है, पृथ्वी पर जब भी लाएंगे तो हमें कार्य प्राप्त होगा, और कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ध्यान रखना है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक है, मान लिया हमने पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, उसके केंद्र से दूरी स्मॉल आर तथा बिंदु पर गुरुत्वीय विभव बी का मान माइनस जी एम अपॉन आर, अभी पीछे हमने निकाल के दिखाया था, ये सूत्र तो अभी निकाला है आप लोगों को, वही लगेगा। अब यदि बिंदु पर एम द्रव्यमान की कोई एक वस्तु रख दिया जाए तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यू बराबर स्मॉल एम कैपिटल वी हो जाएगी। अब कैपिटल वी का मान धर देंगे यहां पे, जी एम एम अपॉन आर आ जाएगा, और आर का मान जो होता है स्मॉल आर प्लस कैपिटल एच होता है, ये ध्यान रखना, स्मॉल आर का मान आर प्लस एच होता है, तो यू का मान कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा, और यदि पृथ्वी तल पे रखी हुई वस्तु तो एच का मान 0 हो जाएगा, तो माइनस का जी एम एम अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये मान जो है सूत्र आप लोगों को याद करना है, तैयार भी करना है ये। अब थोड़ा सा चलिए स्थिति ऊर्जा को एक बार फिर से देखते हैं, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया ये अनंत से लेकर के इस पिंड को लेकर के आ रहे हैं यहां से, जिसका द्रव्यमान जो है स्मॉल एम है, और किसी क्षण यहां पे पहुंचता है और यहां पे बहुत अल्प दूरी डीएक्स चलता है बल के विरुद्ध, और जो इसका द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। और जो वास्तव में होता क्या है, अगर ये पृथ्वी की त्रिज्या हम ऐसे दिखाई जाए, ऐसे दिखा के आप करें, तो ये तो त्रिज्या आर होती है और ये ऊंचाई होती है h के बराबर, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई बन जाती है, ये हो जाएगा यहां तक, तो जो स्मॉल r का मान होता है ये कैपिटल r हो गया, और स्मॉल h, तो स्मॉल r का जो मान आएगा वो r प्लस h के बराबर हो जाता है, तो इसको कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे। तो फिलहाल जो हम सूत्र का लगा रहे हैं, तो f बराबर होता है कैपिटल g और कैपिटल m स्मॉल m अपॉन
आर का स्क्वायर, लेकिन आर की जगह यहां पे एक्स हो गया जब ये बिंदु पी वन पर है। तब कार्य की परिभाषा डब्ल्यू जो लेते हैं वो कितना होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स होता है, तो एफ का मान रख दीजिए। और ये ध्यान रखना समाकलन अनंत से लेकर के आर तक जा रहा है, तो ये मान रख दीजिए समाकलन है अनंत से लेकर के आर तक, एफ का मान रखिए जरा पे, कैपिटल जी हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये सब कुछ तो बाहर आ जाएगा, जी बाहर आ गया, कैपिटल एम बाहर आ गया, स्मॉल एम आ गया बाहर, और ये अनंत हो गया और आर तक है, एक्स की पावर माइनस दो हो जाएगा और ये डी एक्स आ जाएगा। तो देखते हैं जी एम स्मॉल एम हो जाएगा, ये एक्स की पावर माइनस दो है, प्लस एक कर देंगे, फिर माइनस दो प्लस एक कर देंगे, और लिमिट जो है इसकी इधर लिख देंगे अनंत से लेकर के आर तक। ये कितना हो जाएगा, ये जी हो गया, एम हो गया, स्मॉल एम हो गया, इसमें माइनस बचता है तो ये माइनस बाहर जाएगा और ये वन अपॉन एक्स बच जाएगा, इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा। तो ये मान रखेंगे तो माइनस का जी एम स्मॉल एम एक बार तो स्मॉल आर आ जाएगा और एक बार इन्फिनिटिव आ जाएगा, और वन अपॉन इन्फिनिटिव का मान बच्चों जीरो होता है। तो मान कितना आ गया, डब्ल्यू का जो मान निकल के आ गया कायदे में कितना आया डब्ल्यू का मान, ये आ गया माइनस का जी एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर आ गया। अब जो वास्तव में जो क्या होता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा यही कार्य के बराबर हो जाएगी, तो यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का जी हो जाएगा, एम हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा और आर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है सूत्र आपका ऐसे बनेगा। अब इसमें स्मॉल आर का मैंने ये बताया था मान, तो यू का मान कितना आ जाएगा, माइनस का जी हो जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर। पृथ्वी के समीप जब लेंगे ये होल स्क्वायर नहीं आएगा बच्चों, इसमें आर है केवल, तो ध्यान रखना ये होल स्क्वायर बिल्कुल नहीं रहेगा, केवल हम आर ही लेंगे। इसका मात्रक ध्यान रखना बच्चों जूल है, जूल है इसका मात्रक, तो जूल ही आपको लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, ये आ रहा पृथ्वी के समीप गुरुत्वीय ऊर्जा की हम निकालने चाह रहे हैं। तो पृथ्वी के समीप के लिए क्या है, देखो मान लिया एम द्रव्यमान के पिंड को R1 से R2 तक विस्थापित किया, तो गुरुत्वीय ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर जो है यही बताया था सूत्र, कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर और माइनस का जी एम अपॉन आर, एक में R2 आ जाएगा एक में R1 आ जाएगा, ये यहाँ पे चित्र इसका बना हुआ है। चलिए इसका मान रख देते हैं, तो क्या होगा, ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन है तो आ जाएगा, तो एक बटा आर वन माइनस एक बटा आर टू बच जाएगा यहाँ पर। अब मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या इसकी कैपिटल आर है, तो स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो स्मॉल आर वन जो आया वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा और स्मॉल आर टू जो है वो आर प्लस एच के बराबर हो जाएगा। तो ये मान समीकरण एक में हम रख दे रहे हैं, इस वाले में रख देते हैं मान सारे, तो मान रखेंगे तो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, आर इसमें से कॉमन ले लिया गया है, देखो आर कैसे कॉमन ले लिया गया है, आर इसमें से कॉमन लेंगे तो यहां आर तो नीचे से था नीचे चला गया बाहर, यहां आर था नहीं तो ऊपर से नीचे गुणा कर दिया गया, तो ये आर बटे आर प्लस एच हो जाएगा। ये हमारे पास कैपिटल जी एम अपॉन आर आ गया। ये कायदे में बच्चों नहीं समझ में आ रहा, इसको फिर से समझ लीजिए, डेल यू बराबर है जी एम स्मॉल एम है, वन अपॉन आर है, माइनस का वन अपॉन आर प्लस एच है, इसमें क्या करा गया है आर से गुणा कर दी गई और भाग कर दी गई, यहां हो गया जी एम स्मॉल एम अपॉन आर कॉमन ले लिया हमने, आर कॉमन लेते हैं यहां तो वन बच जाएगा, यहां पे आर है नहीं तो ऊपर नीचे गुणा करनी पड़े तो आर प्लस एच बन जाता है। तो ये यहां तक का मान हमने निकाल लिया। अब इसको हम अगले पेज पे चलते हैं, जरा क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। यही मान हमने निकाला है, देख लो इसको क्या निकाला गया। अब जो है वो मान हम ऊपर से नीचे ले आते हैं, मतलब क्या करा गया, देखो पहले क्या हुआ था, ये मान हम नीचे ले, तो कितना आ गया था, ये मान आ गया था हमारे पास कैपिटल जी स्मॉल एम, एक कैपिटल एम है एक स्मॉल एम है, बच्चों यहां ध्यान रखना ये कैपिटल एम है एक स्मॉल एम है और यहाँ स्मॉल ये कैपिटल आर है। अब इसमें मान हम निकालना चाह रहे थे, ये डेल यू निकल गया था आपका, अब इसी को हम आगे बढ़ा रहे थे, देखो यहां पर आ गए थे, तो क्या करा उस आर के मान को हम नीचे ले आए हैं, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर, और फिर इसके बाद ऊपर ले आते हैं। जरा बच्चों इसको जरा सही से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग,
ये सूत्र आपका यहां तक आ चुका था पीछे, तो हम डेल यू का मान फिर से आपको बताने जा रहे हैं। ये आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में आर एम। अब इसमें आर को ये सबसे नीचे लेके आना होता है, देखो कैसे आ जाएगा, वन माइनस यहां तो वन रह जाएगा और यहां आ जाएगा आर प्लस एच अपॉन आर। अब इसको अलग अलग कर लिया गया है, फिर ये जो निकल के आ गया कैपिटल जी हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर हो जाएगा, वन माइनस ये वन अपॉन कितना हो जाएगा, यहां तो वन प्लस हो जाएगा एच अपॉन आर हो जाएगा। ये इसको ऊपर ले चलते हैं जरा, कितना हो जाएगा, जी हो गया कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर है, जब इसको ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस एच अपॉन आर की घात माइनस वन हो जाएगी। अब इसको हम द्विपद पर में से खोल देते हैं, तो जी है कैपिटल एम है स्मॉल एम है बटे में आर है, खोल लेंगे तो वन माइनस एच अपॉन आर हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए तो कितना हो जाएगा, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर, और यहां खुलेगा तो वन माइनस वन प्लस का एच अपॉन आर आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये जो मान निकल के आएगा डेल यू का मान देखो ध्यान से क्या आ गया, हम ये बच जाएगा डेल यू बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इंटू एच अपॉन आर। अब जरा इसको सही कर लीजिए, डेल यू बराबर इसमें से एम तो अलग कर दीजिए और कैपिटल जी ऐसे रहने दीजिए, कैपिटल एम भी रहने दीजिए इसमें, और ये गुणा करेंगे तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा और ये एच आपका और है। लेकिन ध्यान से देखना बच्चों, ये स्मॉल जी के बराबर होता है, परंतु स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए डेल यू का मान कितना आ जाएगा, ये एम हो जाएगा और ये जी है और ये एच हो जाएगा। तो ये ही सूत्र आ जाता है पृथ्वी तल के समीप निकालने के लिए। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, आप लोग तैयार करके रखोगे इस तरह से, ये एमजीएच वास्तव में आता कहां से, अब तक हम लोग स्थिति ऊर्जा का सूत्र पढ़ते हैं, एमजीएच वो आया कहां से, वो यहां पर आप लोगों को बताया गया है। अगला टॉपिक है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। चलिए देखते हैं, पृथ्वी तल पे यहां पर रह गए हैं तो ये मान लिया स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है और ये जो है अब एच ऊंचाई पे लेके जाते हैं, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो जो सूत्र होता है ध्यान से देखेंगे, ये भी आर हो जाएगा, ये वाली जो दूरी है ये भी कैपिटल आर के ही बराबर की त्रिज्या है ये। तो वास्तव में जो है पृथ्वी तल पे क्या होगा, पृथ्वी तल पर जी बराबर हमने पढ़ रखा है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर एक हो गई। लेकिन पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर जो जी डैश का मान जो आ जाएगा वो जी आ जाएगा एम अपॉन ये आर की जगह ये एच और जुड़ जाएगा इसमें, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये समीकरण नंबर दो हो जाएगी। अब समीकरण दो को समीकरण एक से भाग करने पर, समीकरण दो को समीकरण एक से भाग देने पर, तीजी जरा भाग, तो जी डैश अपॉन जी आ जाएगा और यहां जी डैश का मान है जी एम अपॉन एच प्लस आर या आर प्लस एच कह लीजिए, आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, जो बचेगा उसको देख लेते हैं जरा इधर, तो ये हो जाएगा जी डैश अपॉन जी बराबर आर स्क्वायर, ऊपर पहुंच गया ये आर स्क्वायर और यहां आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जी डैश बराबर जी की इधर गुना हो गई या आर स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर ये बच जाएगा, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए तो जी डैश का मान हो जाएगा जी और ये वन प्लस एच अपॉन आर की घात माइनस दो। अब इसको द्विपद पर में से हम विस्तार करेंगे, तो विस्तार करने पे देखो क्या मान निकलेगा, तो ये जो है जी डैश का मान जो आ जाएगा जी आ जाएगा वन माइनस टू एच अपॉन आर हो जाएगा द्विपद पर में से विस्तार करने पे, यही जो है सूत्र आ गया हमारे पास। अब जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे एच का मान बढ़ता रहेगा तो जी का मान घटता चला जाएगा,
तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी का मान कम होता जाता है निरंतर। तो इसी को हम और ड्राइव करके दिखाने, यहां तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है आप लोगों को, अब लेकिन विस्तार से करने के लिए आप लोगों को पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, गणना के आधार पर समझाना होता है, गणती गणना करनी है। तो पृथ्वी की सतह पर जाने पर स्मॉल जी का मान जो है कम होने लगता है, इससे ऊपर जैसे जाएंगे जी का मान कम होता है। मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसका सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है। तो स्मॉल जी का यह संबंध मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, सिद्ध भी करके दिखाया है। यदि पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर कोई वस्तु स्थित है, ये एच ऊंचाई दिखा रखा है आप लोगों को, यहां पर वो वस्तु स्थित है, तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी आर प्लस एच होगी। यदि इस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश हो तो जी डैश बराबर मैंने बता दिया था जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब समीकरण दो को, समीकरण एक थी ये समीकरण दो हो गई थी, तो समीकरण दो को समीकरण एक से भाग देके मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो यहां पर भाग दे करके फिर आगे हल करना है। ये रहा जी डैश अपॉन जी, तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम हो गया, जी एम जी एम कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से भी आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते तो वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर हो गया, तो ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर फिर कट गए, तो ये वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, इसको ऊपर जाएंगे पावर माइनस टू हो जाएगी, तो जी डैश अपॉन जी बराबर हो गया वन प्लस एच अपॉन आर की पावर माइनस टू, माइनस टू इसकी ठीक बाहर करके आएगी तो माइनस का टू एच अपॉन आर हो जाएगा, तो जी डैश बराबर हो गया जी की दर गुणा हो जाएगी, तो जी डैश का जो मान आ गया वास्तव में जी आया 1 माइनस टू एच अपॉन आर हो जाएगा, ये सूत्र हो गया। इसका मतलब ऊंचाई का मान जैसे जैसे बढ़ेगा यानी जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे जी का मान कम होता जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है, स्पष्ट है कि जी डैश जो है हमेशा जी से कम होगा, तो एच का मान बढ़ाने पर अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान कम होने लगता है, यही इसका व्यंजक है जिसे आप लोग भली भांति कर लेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से और जो चीजें आती हैं वो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात पृथ्वी अपने ध्रुवों से होकर जाने वाले अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर घूमती है। मान लिया पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा है, लैम्डा इसका अक्षांश पृथ्वी की सतह पर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, यदि पृथ्वी घूर्णी गति करती है तथा इसका संपूर्ण भार एम जी ए ओ दिशा के अनुदिश कार्य कर रहा है, ये ए ओ उसकी दिशा अनुदिश कार्य कर रहा है, किंतु पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एपी के अनुदेश वस्तु पर अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है, यानी एपी के अनुदेश इसका अभिकेंद्र बल हम निकालेंगे, तो अभिकेंद्र बल जो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, अब किसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो अभिकेंद्र बल बताया था एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, अभिकेंद्र बल का इसको जो है वी का मान आर ओमेगा रख दिया गया, ये स्क्वायर कर देंगे तो कट जाएगा, ये बच जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये पी ओ ए ये दिखाई दे रहा है पी ओ ए, इसमें हमने कॉस लैम्डा ले लिया, तो कॉस लैम्डा अगर लेंगे तो कितना आता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना हो गया, ये हो गया आधार हो गया एपी, और एपी है हमारे पास स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है हमारे पास, तो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर हो जाएगा, तो स्मॉल आर का मान कितना हो गया कैपिटल आर कॉस लैम्डा हो गया, यही यहाँ पे रखा हुआ है। अभी केंद्र बल का मान जो बताया था उसमें दोनों मान रख दिए गए हैं, तो अब इसका घटक जो है वो ए ओ दिशा में इसका घटक निकालेंगे तो एक कॉस लैम्डा और आ जाएगा, तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा हो जाएगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा। अभी केंद्र बल के घटक के कारण वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार से हमेशा कम होता है, तो ये जी डैश यानी एम जी डैश वास्तव में क्या है घूमने के लिए आवश्यक जो त्वरण होता है इसी जे से ही प्राप्त होता है, इसलिए इतना मान और निकलेगा, तो कितना हो जाएगा ये जी डैश बराबर हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, लेकिन लैम्डा का मान मोस्टली जीरो होता है, तो जैसे जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो का मान आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अतः विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ध्यान रखना कहां पर विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है इस पर जी का मान बहुत कम होता है, ध्रुवों पर लैम्डा का मान 90 है समीकरण एक में मान रखने पर, तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 बराबर स्मॉल जी हो जाएगा।
इस प्रकार हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ने लगता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा और तैयार भी करना पड़ेगा। आज बच्चों मैं इतना ही छोड़ रहा हूं, अगले टर्न पे मैं फिर लूंगा इसके, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है, और उसके कुछ और बचे हुए आर्टिकल कराऊंगा मैं। तब तक मैं यहीं रोकता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ नीचे एक लाल रंग का बच्चों बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके हो, और लाइक भी करेंगे मेरे वीडियो को, कम से कम लाइक तो डालते रहिए इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।